ये मोटेक पैकेजिंग एसआईपी स्टॉक तो था ही, मैंने भी पहले जेम्स में दिया हुआ, और उन्हीं की एक सिस्टर कंसर्न है मोटेक टेक्नोलॉजीज, क्योंकि बहुत ही अलग तरीके की कंपनी है। और देखिए, ये करीब 200 क्लाइंट्स को नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट में अपनी सर्विसेज मुहैया करवाते हैं। इट इज वन ऑफ द वेरी फ्यू लिस्टेड कंपनीज और बहुत ही वेल एस्टैब्लिश कंपनी है जो सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज में है कंट्री के अंदर। तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, और ऑटोमोटिव, पोल्स और टावर्स और ऑयल एंड गैस डोमेन्स में ये कंपनी काम करती है। बाकी मैं जो फंडामेंटल्स की बात कर रहा था, देखिए 18 के पी मल्टीपल में बहुत सस्ता लगता है ये, और डिविडेंड यील्ड करीब 1.5% का है, 25% के लगभग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 18% रिटर्न ऑन इक्विटी है, ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है, सिर्फ 3 करोड़ का कोई डेट है, पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 22%। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी, बट साथ में ये भी है कि ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा आने वाले दिनों में। तो 90 रुपए का टारगेट मैंने पहला दिया था, और 110 के लगभग ये ऊपर हाइज बनाया हुआ है, उसके बाद ये जिन लेवल्स पे मुझे बहुत सस्ता लग रहा है, तो बिल्कुल ले, और मेरे हिसाब से ये स्टॉक आराम से 90 रुपए के टारगेट के लिए खरीदा जा सकता है। सो बेसिकली इट इज मोल्टेक टेक्नोलॉजीज, नॉट मोल्टेक पैकेजिंग, जो कि मोल्टेक पैकेजिंग भी मेरा गेम स्टॉक है, बट मोल्टेक टेक्नोलॉजीज फाइनली जो स्टॉक है, ये करेक्शन के साथ तुम लोग लेना चाहे बोले।